हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 48 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं और बारी बारी से इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अंडर रूट एक्स प्लस 7 इक्वल 576, तो एक्स बराबर क्या होगा? 169 होगा, 289 होगा, 196 होगा या 361? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल करके। अंडर रूट एक्स प्लस 7 इक्वल अंडर रूट 576, 576, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7 इक्वल 24 होता है 576 का वर्गमूल स्क्वायर रूट। अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 24 और माइनस 7, अंडर रूट एक्स बराबर 17। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो एक अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट और 17 का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स और 17 ही है 289। तो हमारा उत्तर होगा 289, 289, अंडर रूट एक्स का मान 289 होगा। हमारा दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार या व्यापार? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। कृषि ही उनके आजीविका का मुख्य साधन था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली ऐसी सभ्यता थी जहां चांदी के उपयोग के बारे में जानकारी मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रमशः गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। चावल के भी अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा उत्तर होगा, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। अब हमारा तीसरा सवाल है, भूपृष्ठ के किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल में, क्रोड में, सीमा में या नीफा में? नीफे में। सियाल का मतलब सिलिकन और एल्यूमिनियम से बनी हुई परत, सीमा का मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम से बनी हुई परत, नीफे का मतलब जो है निकेल और लोहे से बनी हुई परत, और नीफे को ही क्रोड कहा जाता है। तो इस प्रकार ये दो ऑप्शन समान हैं। तो हमारा उत्तर जो होगा, भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं बेसाल्ट और दूसरे को ग्रेनाइट कहते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 4, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 1947 में भारत की आज़ादी के साथ पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जो है पाकिस्तान को चले गए, और मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का कायदे आजम घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के गृह मंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री भी थे और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री थे। तो हमारा उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री का पोस्ट कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये समय के अनुसार जो है इस पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो है इनको क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बनाए गए, उप प्रधानमंत्री देवीलाल को बनाया गया, ठीक है। इस तरह उप प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है विशेष परिस्थितियों में क्रिएट किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, वर्तमान में भारत में कितनी संसदीय समितियां हैं? 11, 17, 22 और 24। तो जैसा कि आपको पता है, ज्ञात हो कि 1991 के पहले भारत में कोई संसदीय समिति नहीं थी, लेकिन 1991 में संसद के नियम समिति के सिफारिश पर यह प्रस्ताव दिया गया कि भारत में संसदीय समितियों का गठन किया जाए। इसके अनुसार 12 अप्रैल 1993 को 17 संसदीय समितियों का गठन किया गया, जबकि जुलाई 2004 में
7 और नई संसदीय समितियों का गठन किया गया। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी संसदीय समितियां और दूसरा तदर्थ संसदीय समितियां। तो 17 और 7 कितने होते हैं? 24। तो वर्तमान में भारत में संसदीय समितियों की संख्या जो है 24 है। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? IMF, IBRD, WTO या IFC? तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है संचालित होता है, और उसकी देख रेख करने वाली संस्था जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में इसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। 1995 में इसका नाम बदल करके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो हमारा उत्तर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क AIIRLS का उद्घाटन किया गया? तो 1 मार्च 2021 को ये कैटल पार्क AIIRLS का उद्घाटन किया गया है। ये राज्य कौन है? बिहार है, केरल है, तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है? तो भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 1 मार्च 2021 को एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क AIIRLS का उद्घाटन किया गया है। हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। और कब हुआ है उद्घाटन? 1 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन हुआ है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 8, 7वें वेतन आयोग का के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास वारदाचेरियर, रघुवीर दयाल, जस्टिस एस रत्नावेल, अशोक कुमार माथुर। तो देखते हैं बारी बारी से। श्रीनिवास वारदाचेरियर भारत के वेतन आयोग, भारत में जो पहला वेतन आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल था 1947 से 1959 तक, 1959 तक प्रथम वेतन आयोग के ये अध्यक्ष थे। इसके बाद रघुवीर दयाल जो हैं 1977 से 1987 तक तृतीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। जस्टिस एस रत्नावेल ये 5वें, ये तृतीय, थर्ड, तीसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, ये 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। जस्टिस एस रत्नावेल 5वें वेतन आयोग, और 5वां वेतन आयोग का कार्यकाल था 1996 से 2006, ठीक है, 2006। छठा वेतन आयोग का कार्यकाल जो था 2006 से 2016 था, जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर बनाए गए, और इनका कार्यकाल है 2016 से 2026 तक, और ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा और 7वां। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी या एनी बेसेंट? तो हमारा उत्तर होगा 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने बंबई में भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और इसी के एवज में
उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और उन्होंने मिलकर के 1916 में की थी। तो हमारा उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक 1895। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, इन्होंने सांस्कृतिक एकता को बनाने के लिए बंगाल में गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों को का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, पूर्व वैदिक काल का या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 600 बीसी से 1000 एडी, 1000 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इनमें से कोई नहीं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एन्ना डोमिनी, मतलब ईसा के जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं और ईसा के जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं। तो 600 बीसी से 1000 एडी तक के काल को भारत में जो है उत्तर प्राचीन काल कहा जाता है, ठीक है। 1000 बीसी से 600 बीसी के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है और 1500 बीसी से 1000 बीसी के काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति काल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा 1500 बीसी से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय जो है यह पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति काल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत अवस्थित है? अरावली, हिंदूकुश, राजमहल या सतपुरा? तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो पर्वत अवस्थित है उसका नाम है अरावली, उसका नाम है अरावली, अरावली पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जबकि हिंदू कुश पर्वत जो है अफगानिस्तान में अवस्थित है, राजमहल जो है ये झारखंड में है और सतपुरा जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, 12 नंबर प्रश्न है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित हुए? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो केंद्रीय विधान मंडल के अध्यक्ष पद पर 1925 में विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 13 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है या किसमें निहित होती है? किसके पास होती है या किसमें निहित होती है? सीएजी के पास, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या केंद्रीय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसके पास जो है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति होती है? तो हमारा उत्तर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष, 6 वर्ष, और नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसके बारे में जो जिक्र है वह अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में जानकारी है, 148। आप जानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में अनुच्छेद 124 से 147 तक जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में जिक्र है।
हमारा अगला सवाल है, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टो डी नोविली? तो 1510 में बीजापुर के शासक अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था और गोवा पर अधिकार जमा लिया था। हमारा उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब किया था कब्जा? 1510 में, 1510 में। अगला सवाल है, 5/7, 7/6 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा? 120, 7/45, 5/72 या 280? तो देखते हैं, एलसीएम बराबर हो जाएगा 5, 7 एवं 9 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे क्या है 7, 6, 9 का मौसा यानी एचसीएफ। तो आप जानते हैं तीनों अलग अलग डिजिट है, तो इनका मौसा कितना होगा? 1 होगा। और एलसीएम में क्या करते हैं, जब तीनों अलग अलग तरह की संख्याएं होती है तो गुना करते हैं, तो 5 × 9 = 45, 45 = 280। 280 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 280। तो हमारा उत्तर होगा 280। 5/7, 7/6 और 8/9 का एलसीएम 280 होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों को रखा और बारी बारी से उनका विश्लेषण किया, विवेचन किया और आपको समझाने का हमने प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपके काम लायक हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।